राम राम सारे ने। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। मैं हूं सत्येंद्र और आज मैं हूं काठमांडू, नेपाल की राजधानी में। बस यहां से सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोग नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके निकल रहे हैं यहां से, मैं और डॉक्टर साहब भी। और यहां से अब हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे इस बार। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं अब चंद्रगिरी का। हाँ, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी हिल्स हैं, कोई यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो पहले ब्रेकफास्ट में आपसे मिलते हैं, फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ से चलते हैं। भैया का भी सिस्टम तैयार हो चुका है सारा और मेरा भी। चलो भाई, टाटा बाय बाय रूम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी जर्नी पर। और अभी यहाँ से लेते हैं विदा। कितना कितना हो गया? कितना एक एक रूम का जो एक एक दिन थे उसका कितना लगाया आपने? 1300 की बात हुई थी। 1300 की बात हुई थी, ऐसे मत करो। 200 रुपए की 1300 पहले वो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर करें। एक्चुअली में जहाँ रुके थे एल्ब्रुज होम में, तो यहाँ पर ही इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, अगर आप लोग देखेंगे ना पूरे काठमांडू में बादल हो रहे हैं। कल तो काफ़ी गर्मी थी यहाँ पर और इस तरह से लोग इस ब्रेकफास्ट का एंजॉय कर रहे हैं। चाय गर्म है और जूस जूस ठंडा है। या ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने मैंने मंगाया बनाना आमलेट है, हनी है और आपका ब्रेड है। भैया ने मंगाया जैम। और चलो एंजॉय करते हैं, खाते हैं फिर इसको। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और आप लोग जानते होंगे मैं एल्ब्रुज होम में रुका था। यदि आप लोग नेपाल आना चाहते हैं तो यहाँ पर ही रुकिए, बिकॉज थामेल जो एरिया बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है और ये पूरा एक सिटी सेंटर आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बड़ा कम्फर्ट रहेगा और यहाँ बहुत चीप है, मतलब रहने के लिए। आप लोग मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर। और इस यहाँ पर एक बड़े फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, जो आपके काफ़ी सारे पैसे बचा देगा, क्योंकि जो लोग लो कॉस्ट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को लेके चलूँगा चंद्रगिरी, जो यहाँ का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। और हम लोग जो है केबल काल यानी जिसे रोप वे बोलते हैं, उसके द्वारा हम लोग जाएंगे और वहाँ के व्यू को एंजॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स बाइक बुक कर ली है एक और चंद्रगिरी जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने भी बाइक बुक करी है, वो मुझसे पहले निकल चुके हैं, बिकॉज हम लोग बाइक का एक्सपीरियंस करना चाहते थे। मुझे बाइक तो नहीं मिली है, टैक्सी हुई है, वो सॉरी स्कूटी बुक हुई है। तो आप लोगों से मिलते हैं। और कुछ इस तरह की वेदर हो रही है, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं, बहुत छोटी छोटी बूंदें। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं ऊपर वो जा रहे हैं रोपे, अभी हमें वहाँ से जाना है और काफ़ी ऊँचे, उससे भी आगे जाना है, वहाँ तक दिख रहे हैं वो जहाँ फोग आ रखे हैं। और आगे जो रोड है वो ये है, अभी हम जो लोग जा रहे हैं वो। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज में इस चंद्रगिरी हिल्स पर हम लोग जाएंगे। है चंद्रगिरी पर एक फेमस टेम्पल है, फाइनली हम लोग चंद्रगिरी रोप वे बेस स्टैंड पर आ चुके हैं और यहां से अब टिकट लेंगे। देखते हैं कितने का टिकट है। और डॉक्टर साहब अभी आगे पहुंच गए होंगे, ऊपर जाने का रास्ता है। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है नज़ारा और मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं श्रीलंका गया था तब भी ऐसा ही मौसम हो रहा था। और मेरे पीछे आप लोग देखेंगे पूरा काठमांडू, आप लोगों को अभी पूरा काठमांडू शहर दिखाते हैं यहाँ से। इतना खतरनाक व्यू आने वाला है, आप लोग अब देखेंगे। देखिएगा गाइस ऐसा कुछ व्यू है चंद्रगिरी हिल्स रोपवे स्टेशन। तो गाइस फाइनली हम लोग चंद्रगिरी जो रोपवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और डॉक्टर साहब मुझे मिल गए हैं, अभी यहाँ पर ही आ गए थे। और
काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है और यहाँ पर कुछ फाउंटेन्स भी लगे हैं। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, मेरे पीछे है काठमांडू और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है और इधर से आई थिंक बारिश भी आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे पीछे। चलिए टिकट लेते हैं, पहले आओ टिकट लेते हैं, ठीक है। तो गाइस इंडियंस के लिए 1280 रुपये का टिकट मिला है एक, मेरा और डॉक्टर साहब का कितने का हो गया दोनों का? 2560 रुपये का हो गया दोनों का। चलते हैं एंट्री करते हैं और बाहर का व्यूज है। ये नेपाली करेंसी में है भैया, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट लग रहा है ना? यस। पर यार बारिश कट गई ना बड़े बड़े। हाँ ऐसा है, मैंने बोला था कि बारिश में रोके बंद हो जाती है क्योंकि वो फिशिंग का डर रहता है, तो बारिश पड़ गई तो भाई साहब कांड हो सकते हैं। हाँ, बाकी ओवरऑल नॉर्मल नहीं होती, हाल उमान आते हैं। हाँ बाकी ओवरऑल ठीक है, और काफ़ी लंबी लाइन, काफ़ी विजिटर्स भी हैं और लाइन लग रही है। टिकट हम लोगों ने वहाँ से चेक इन कर लिया, चेक इन करके लाइन में लग गए हैं। तो भाई साहब बैठने के लिए तैयार हैं, काफ़ी लंबी वेटिंग लाइन लग रही है और फिर हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने स्टेशन को लीव कर दिया यहाँ से और अब आप लोगों को थोड़े व्यू दिखाएंगे, काफी अच्छा है। ओह माय गॉड, इट्स रॉक का बंडल, लुक्स गुड एज़ फक। वीडियो बना के मुझे बनाना है वास्तव में गाइस, ये देखिएगा आप कितना खतरनाक लग रहे हैं भाई। बेन वाह, सीधा एंड टू ब्रदर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, सॉरी नीदरलैंड। और हमारे साथ झारखंड जैसे इंसिडेंट हो जाए कभी बीच में रुक जाए कि तू साथ रे, जान क्या है अब आपका विचार, ये मेरी मंजिल है अब। गाइस काफी डरावना लग रहा है और अभी एक हिल्स हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, दूसरी आप लोग देख रहे हो स्वर्ग जाने का रास्ता दिख रहा होगा आप लोगों को। भाई साहब बादल आ रहे हैं, व्हाइट व्हाइट लगने वाली बहुत। और इंडिया के मैं दो रोप में बैठ चुका हूँ बट ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है एक्सपीरियंस। पास है किस बात का करूँ मैं इंतजार, साथ फेरे संग लूँ तेरे, बस रहना मुझको है तेरे साथ, याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात। गाइस सीरियसली जो ये रोप है बीच में ट्रॉली रुक गई है और बहुत ज्यादा डर लग रहा है और ये लड़की देखो ये की होती है और ये काफी डर लग रहा है, बहुत डर लगता है। टैंगोडी चलने लगा, बोलो जोर से, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। तो भाई साहब नीदरलैंड के लोगों से भी हमने जय माता दी बुलवा दिया और काफी बहुत ही आई थिंक गाइस बहुत बड़ा रोप वे निकला, दो हिल्स हम लोगों ने पार कर दिए, तीसरी पर अभी पहुंच रहे हैं, उसके बाद हमें पता नहीं कहां जाएंगे और काफी बादल हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे इतना खतरनाक मौसम हो रहा है। तो खैर धूप आ गई इस वाली हिल्स पर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहां से उतर के, तो कुछ ना रख लिया। बाहर से किधर से निकलना होगा? बाहर से। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं गाइस और एक बार देखते हैं बाहर निकल के, इधर से पूरा व्यू देखता है ना, दिखता है ना, वाह वंडरफुल। अभी और भी जाना पड़ेगा क्या? मंदिर उधर है, उधर जाना। फ्रेंड्स हम चंद्रगिरी स्टेशन पर आ चुके हैं, अब यहाँ से हम चंद्रगिरी जो टेम्पल है वहाँ के लिए जाएंगे इस वाले रास्ते से। और डॉक्टर साहब कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो पहले वो ले लेते हैं। ले लिया, जूस लिया, 20 रुपए का मिलते हैं, 60 रुपीस का है यहाँ, 20 का मिलता है अपने यहाँ पर और यहाँ पर 60 का, तो इतना कोई महंगा तो है बट इतना महंगा भी नहीं, 15 का या 20 का मिलता है यहाँ, 16 का, 60 का, 60 रुपए का ये। चलो बैठ लेते हैं, यहीं बैठ लेते हैं और लगता है अलग से हवा भरा हुआ है एकदम। एक मिनट
फ्रेंड्स आप सभी से रिकमेंड करूँगा यदि आप लोग काठमांडू आए ना एक बार यहाँ प्लीज़ आप ज़रूर विजिट करना। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ है, ये बहुत ही अच्छा जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि हम दुनिया से कनेक्ट हो, कनेक्ट बहुत ही खुश हो गए और अलग ही वर्ल्ड में आ गए एकदम, अलग ही है बिल्कुल, नेक्स्ट लेवल फील हो रहा है। तो गाइज ये चंद्रा गिल्स हिल्स के जाने के लिए मैप वगैरह बनाया है इन लोगों ने और हम लोग आगे जाएंगे, पीछे से मैं आया था। गाइज आप लोगों को काठमांडू सिटी का व्यू दिखाता हूँ और ये आप लोग देख रहे हो एक छोटा सा होटल है और वो पीछे देख रहे होंगे ना आप लोगों को काठमांडू, अगर बादल हो रहे हैं जूम करके दिखा दिया फुल आप लोगों को, ये पूरा काठमांडू है। हम लोग इधर से आए थे अभी और ऊपर जाएंगे। डू यू वांट जिप लाइन? या डू यू वांट? आई डोंट वांट। हेलो योर नेम? कृष्ण कुमार। कृष्णा कोठीवाल। एंड योर नेम? स्नेहा राय। एंड यू आर फ्रॉम आयुष, सॉरी आयुष तमंग, आयुष यू फ्रॉम काठमांडू? काठमांडू। तो टू डेज हॉलीडे, हॉलीडे स्कूल ऑफ नॉट। तो योर नेम? या वेरी क्यूट बच्ची, गॉड ब्लेस यू। छोटे बच्चे पिकनिक पर आए हैं देखो यहाँ पर घूमने, ये कौन लगते हैं आपके? हिंदी? हिंदी नहीं आती? आती है, थोड़ा थोड़ा आती है। ये पेरेंट्स आपको आती है? और आपको रैंडम क्लिक कर दो। आप कौन जगह से आए आप? इंडिया। इंडिया कौन जगह? न्यू दिल्ली। अच्छा तो गाइस काफी सारे बच्चे मिले, ओके बच्चों बाय, कितने क्यूट बच्चे हैं, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं जल्दी, फिर आऊँगा दोबारा आप लोगों से मिलने। तो गाइज फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, ये है टेंपल रत्नागिरी हिल्स में, रत्नागिरी देवी का, अब इसको देखते हैं अंदर जाएंगे, मत्था टेक के आएंगे। और मेरे पीछे कैंटीन है, अभी हम लोग कैंटीन पे आए थे, सबसे पहले नीचे से आए थे और हम लोग जो है ऊपर जाएंगे। तो गाइज फाइनली हम मंदिर आ चुके हैं और ये रत्नागिरी हिल्स पर मंदिर है, मंदिर का जो नाम है वो है बालेश्वर महादेव, ठीक है, इसके बारे में भी कुछ पढ़ा है मैंने। और इसके अंदर चलते हैं एक बार, मैं आप कोशिश, अगर कैमरा अलाउ होगा तो मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ। फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं, ये आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये एक स्टैचू है पृथ्वी ये है पृथ्वी नारायण शाह के और इनके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, कोई यहाँ के ग्रेट किंग रहे हैं और इसका इनोग्रेशन किया था 2017 में जब यहाँ के प्रेसिडेंट थी विद्या देवी सिंह भंडारी। तो ये मंदिर के प्रांगण के बैक साइड में है यहाँ पर, और इसके बाद आप लोग देखेंगे तो वो काठमांडू सिटी आप लोगों को दिखाई देगी। गाइस ये लड़की हमें फिर मिल गई है, बहुत ज़्यादा डर रही थी और अभी ये अब इसको फिर जो है ना जब हम वापस जाएंगे तो इसको नीचे लटका देंगे। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने मोमोज खा लिए थे और चल रहे हैं। डॉक्टर साहब कहाँ आएंगे? अरे डॉक्टर साहब आओ। और इन लोगों ने क्योंकि हमारे साथ ही आए थे रोपवे से तो ये लोग मिल गए, हमारा वेट किया इसने करुणा, हमने बहुत वेट किया, बहुत वेट किया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। और ये दद्दू, दद्दू दद्दू वेरी स्वीट पर्सन, और दद्दू जो है ना काफी, मेरे पीछे बादल देख रहे हो आप लोग, बहुत कैसे लग रहा है? नाइस। दद्दू ने कहा कि आई हैव ए टू गर्लफ्रेंड, दद्दू की दो गर्लफ्रेंड है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग चंद्रगिरी से, और इसके बाद हम लोग नीचे मिलेंगे, हॉस्टल पहुँच रहा हूँ, नया रूम चेंज कर रहा है आज मुझे, और फिर शाम को आप लोगों को कुछ दिखाते हैं और इतने आप लोग व्यू को एंजॉय करिएगा। तो गाइज हमारी ट्रॉली आ चुकी है और मैं और भाई बैठ गए, दद्दू को इधर बैठाओ, दद्दू आप इधर, और बाहर से हम लोग जा रहे हैं और वीर जी भी अपने खड़े हैं, तुसी एक हिल्स आ रही है, फिर उसके बाद एक दूसरी हिल्स आएगी, फिर उसके बाद तीसरी आएगी, तब जाके हम नीचे पहुंचेंगे। और हम लोग यहाँ से बैक कर रहे हैं और हमारा ग्रुप में दो लोग अभी इस बार बिछड़ गए हैं बिकॉज करुणा
एंड दद्दू एंड डॉक्टर साहब और काफी, और इसमें हवा भी आ रही है ठंडी। मैं आप लोगों को कुछ बाहर का नजारा दिखा देता हूँ। वाओ वंडरफुल, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का है भाई, एक्सट्रीम लेवल वेदर। पर्सनली मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोगों को मौका मिले लाइफ में, एक बार आप यहाँ पर जरूर आइएगा और इस रोपवे को एंजॉय कीजिएगा। जर्नी आपकी लाइफ की सबसे एडवेंचरस और सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी। अब तो पास है, किस बात का करूं मैं इंतजार, साथ फेरे संग लूं तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ। याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात, ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे, और नीचे एक बार देखते हैं। काफी सारे ट्रोलियां, कुछ ट्रोलियां उन्होंने कम कर दी है। एग्जिट किधर से है भाई? तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूब। तो फ्रेंड्स हम लोग बाहर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी यहाँ पे जब भी आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा, बहुत अच्छा। और वेदर भी बहुत ही बढ़िया वेदर हो गया यहाँ के। तो गाइस आप लोग बताइए कैसा आप लोगों को एक्सपीरियंस लगा। इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। और मेरे पीछे कुछ फाउंटेन्स हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हालांकि ऑलरेडी आप लोग इन्हें देख चुके होंगे, आप लोग चंद्रगिरी हिल्स पर ज़रूर आइएगा जब भी आप लोग नेपाल आएँ, और इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, और बाकी आप नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं, तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। आपको भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि फलो गर्नु होला, कमेन्ट नि गर्नु होला। होप हजुरहरूलाई हाम्रो यो भिडियो राम्रो लाग्यो, अनि हामीलाई यस्तै भिडियो हामी ल्याएर आउने गर्दैछौँ, र हामीलाई फलो गर्नु होला। धन्यवाद।